मधुर बाबू को तलाक दे दे। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात करने की? कौन से जन्म का बदला निकाल रही आप हमसे? आप हमारी माँ बनने का ना खाली ड्रामा करते, कौन प्रेम नहीं करते हमसे? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी की जिंदगी में जहर बनती है? माँ के नाम पे कलंक हो आप। रणविजय ठाकुर रेखवा को लेके मंदिर में काहे ले जा रहे? वो तो कह रहे थे हवेली में कि वकील के पास जा रहे, तो इनका वकील मंदिर में रहने लगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। भाई वो देखो रणविजय ठाकुर जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे उन लोगों को ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए। यहाँ क्या कर रही तुमने? अब छटकी ठाकुर वो पुतुल की माई को ढूंढने के लिए आए थे, पता नहीं कहाँ चली गई है। पुतुल की माई? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? हमारा पीछा करते करते तो यहाँ नहीं आई, अब बता दे। पीछा काहे नहीं करेंगे हम आपका? आप भी ना छुटकी ठाकुर कुछ भी बोल देते। हम सच्ची कह रहे हैं, पकड़ की माई को ही ढूंढने के लिए आए थे, पता नहीं कहाँ चली गई, हमको लगता है पिछवा होंगे। प्रसाद ले लो। चलो चलो को लगता नहीं कि होना चाहिए था। क्या है बे? बे हराम ज्यादा तुम्हारे बाप का गाड़ी है, उधर नहीं जा ससुराल। ससुराल हम चल ले और छोड़ कट कहा। जल्दी से ये कागजात पर साइन कर दे, वरना तेरी बीवी को हम लोग मार डालेंगे।
अरे रेखा तुम ठीक तो हो? तुमको तुम कौन दिया? अगर तुमको कुछ हो जाता ना, हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। ये लोग थे कौन? अरे ये बात का दस्तखत करवा रहे थे आपसे? अरे हमको क्या पता कि कौन थे वो लोग और काहे लिए दस्तखत करवा रहे थे? दस्तखत का चीज है हमारे लिए, रेखवा के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। वैसे हैरानी वाली बात तो ये है कि तू पुतुल के माई के पास अचानक कैसे आ गई? और हैरानी की बात ये है कि जब ये पुतुल के माई के पास गई हैं, तब इन लोग यहाँ आए और वो लोग कैसे जानते थे कि हम दोनों मियाँ बीबी हैं? कौन से कागज पे दस्तखत करा के ले गए? समझे में नहीं आ रहा है कुछ हमें। चम्मच से बजा रहा है, खटर खटर मत ना कर। माई हमें बहुत मजा आ रहा है। माधव जब बाहर खेल सुमन को हम अच्छा से जानते हैं माधव बाबू, वो इतना आसानी से नहीं मानेगी और उसका हक भी है आप पर ब्याह किया आपसे। किस हक की बात कर रही हैं आप भाभी? सुमन ने जो हमारे साथ किया क्या वो सही था? अरे उसने तो रणवीर जी के साथ प्लान भी बनाया था रेखा को जान से मारने का। लाली रणवीर जी ठाकुर ही कह के गए थे कि हम वकील के पास जा रहे हैं, जबकि वो मंदिर गए थे। उनके बात में आ गए, रेखवा को खुश देख कर ना हम भी बौड़ा गए थे। ए ललिया, पंच लोग आए हैं मिलने को, कहते कि अभाई के अभाई सरपंच जी से बात करें। हम बोले वो चूल्हा चौका में है पर नहीं, कहते कि अभी बात करनी जाने का। आपके घर की बहू सुमन हमारे पास आई थी, वो कह रही थी कि हमें पंचायत से न्याय चाहिए। काहे कि वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। क्या मामला है? ये जो आपके सामने बैठी है हमारे गांव की सरपंच श्रीमती लाली देवी, यही आई थी हमारे पास तलाक का प्रस्ताव लेकर। लाली भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है, वो जो भी करी है हमारे कहने पर करी है। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, काहे ना कि ये घर की मुखिया भी है और गांव की सरपंच भी। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अपने घर वालों के साथ पक्षपात करना चाह रही है।
देखिए, इस बार जो मामला है वो हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस मामला में हम अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ पांच लोग भी फैसला में बैठे। जो सबका राय मशवरा होगा वही हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा, इसलिए आज और अभी नहीं बल्कि कल दोपहर दो बजे तक इस बारे में हम लोग दोबारा बातचीत करने बैठेंगे। बात को पंच तक ले जाने का क्या जरूरत था सुमन? अरे घर में भी बातचीत करके बात को सुलझाया जा सकता था। घर वालों पे ना बहुत ही भरोसा कर चुके हैं और बहुत धोखा भी खाए, और आपको भी ना हम अच्छी तरीके से पहचान गए। बस एक विनती है, ये जो आप ये ड्रामा करती है ना हमारी माँ बनने का, मत किया कीजिए, क्योंकि आज तक माँ की कसौटी पे आप कभी खड़े नहीं उतरे, और हम आपके पास माँ के नाते नहीं आए, गांव के सरपंच के नाते आए। ताकि गांव वालों के सामने शायद आप सही फैसला करेंगे। हम लोगों को आने में बहुत देर हो गई, दीदी परेशान हो रही होगी। बहुत है भोली हो तुम रेखा रानी, तुमको खबरें नहीं है कि हम जानबूझ के देर किए। कहा कि पंचायत के पहले अगर तुम अपना चोंच खोल देती तो मामला गड़बड़ हो जाता। हम ही काम करते हैं, हम दिदिया के पास जाके उनको बता देते हैं कि हम दोनों आ गए हैं, और फिर आज जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो भी तो दिदिया को बताना पड़ेगा ना। सुन देखो लाली, ये गांव की सरपंच है, सारे गांव का भार ओकरे सर पे है, कितनी सारी परेशानियां है, रात मिलता है सोने के लिए, तो काहे लिए परेशान करना, कोनो जरूरत नहीं है, सब ठीक निपट गया ना सब। बाकी दिदिया को ही बताना भी तो जरूरी है, कहे कि वो सरपंच है इस गांव की। हाँ हाँ बताए देना, बताने को कौन मना कर रहा है, बाकी समाथा फटा जा रहा है बस दर्द के मारे। बताना बता दो, बुरा ना मानो तो हमने माथा दबा देती। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, अब चलिए हम अब ही दबा देते हैं। काहे आप जिंदगी में हरदम हमको दुराह पे खड़ा करते रहे, पूरा जिंदगी इम्तिहान देते देते निकल गए। बाकी हम कभी हार नहीं माने, लेकिन आज माई और सरपंच के बीच में हमारा सोचने समझने का शक्ति एकदम खत्म हो गया। माई का ममता सरपंच के फर्श पे हावी हो रहा है, कल पंचायत में सुमन का बात चलेगा, लोग तरह तरह का बात करेंगे, ताना कसी करेंगे, उस पर उंगली उठाएंगे। ये जानते हुए कि सुमन गलत है, हम ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भगवान जी।
का हुआ लाली? भाई ठाकुरान नहीं है तब बड़ा अकेलापन लग रहा है। जन दो राह पे खड़े हैं वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे का नहीं। लाली माई नहीं है तो का हुआ? माई के दिखाए हुए रास्ता पर हम चल सकते हैं ना? माने ये देखो का है रामचरितमानस। जब भी हम कभी दुविधा में होते थे ना तो माई हमको रामचरितमानस की श्री रामशलाका प्रश्नावली से हमारे सारी दुविधा को हल कर दी थी। अभी रुको हम तुम्हें बताते हैं कैसे होता है। आंख बंद करो आंख बंद करो। अब अभी ये उंगली से अब अपने मन में जो तुम्हें दुविधा है उसको सोच के यहाँ पर कहीं पर उंगली रखो। अब आंख खोलो। ये देखो लाली का चौपाई बनी है। होई है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बड़ा वही साशा। एकरा मतलब है तुमको कौनो चिंता करने का कौनो जरूरत नहीं है। जो होना है वही होना है जो राम राम जी ने पहले से तय कर दिया है। अरे चींटी के घर में चोरी हो गई चींटा फांद गया दीवार। ताल का मेंढक बना सिपाही थानेदार बना गिरदान। अरे निवला सांप को धरे दबोचे एक ही बार में ले प्राण। ताल का मेंढक बना सिपाही थानेदार बना गिरदान। अरे निवला सांप को धरे दबोचे एक ही बार में। अच्छा गाते हो लोहा सिंह। सांप को धरे सिंह हमें याद क्यों किया? ये तुम्हें हमारा सवाल ही गलत। अब तुम हमें यहां पर दावत के लिए तो बुलाओगे नहीं लेकिन हम दोस्तों के दोस्त तुम्हारी दावत तुम्हारी खातिरदारी का सारा प्रबंध हम ही करेंगे। कल सुबह तुम्हारी जमानत हो जाएगी लेकिन एक बात याद रखना लोहा सिंह, उस लाली को छोड़ना नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाना कि फिर किसी जमनिया को हमारे हाथ से छुड़ाने की हिम्मत ना कर सके। एक नीच जात की लड़की तुम पर राज करे ऐसा नहीं हो सकता।